ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कीजिए मैडम, हम सब बाहर लॉन में हैं, बाकी सब लोग भी बाहर गए हैं, 4 बजे तक आ जाएंगे। हाँ, मैंने देख लिया उनका बिजनेस प्रपोजल, पर काफी चेंजेस करने पड़ेंगे, इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो तुमने हमें फोन कर दिया, अगर समिति के बैठक में बैठ जाते तो फिर 5 बज जाते वहाँ। वहाँ प्रोग्राम तो हमारा भी शाम को मिलने का ही था, लेकिन अजमेरा साहब का फोन आ गया, तुमने कहा चलो अभी मिल लेते। आई आई दरवाजा बंद क्यों है और स्टाफ भी बाहर है, हो क्या रहा है अंदर? मैं देखती हूँ माँ जी, दरवाजा खोलूं? जी मैडम, वो इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, जाके खोलो जल्दी। Thank you.
सॉरी, वो नायरा की डांस प्रैक्टिस चल रही थी। 26 जनवरी को उसका इवेंट है ना, तो शो 26 जनवरी को है लेकिन तमाशा तो आज ही बना दिया। मैं चेंज करके आती हूँ। आप लोग बैठिए ना प्लीज, मैं भी अभी आया। काफी फिल्मी हैं आजकल के बच्चे, हमारे टाइम में तो ये सब कुछ हम सोच भी नहीं सकते थे। पहले पत्नियां अपनी पतियों के पैर छूती थीं और अब पति छूने लगे उनके पैर। भाई सही मायनों में नई पीढ़ी के यूथ आइकॉन है कार्तिक। खा गई मैडम, अभी तो आई थी, अचानक गायब कैसे हो गई? लगता है उसने उस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। वैसे थोड़ा अजीब तो हो ही गया था। नायरा, जैसे ही कुछ ठीक करने की सोचती हूँ ऐसे ही कुछ और खराब हो जाता है। क्यों मैं मेरे साथ है? क्यों क्या करूं, कैसे निकालूं सबके दिमाग से ये बात कि जो वो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। जब देखो तब बात घूम फिर के कार्तिक पे आ जाती है। जाके मैं कुछ नहीं कर पाती। वो मुझसे प्यार करता है तो क्या उसे उसकी सजा देंगे? गलत बात कह रही है भगवान जी। कोशिश करेगी तो कोई तो सलूशन निकलेगा। हम बता नहीं सकते कितनी शर्मिंदगी हुई उन लोगों के सामने। कार्तिक भी ना, उसकी कोई गलती नहीं है तो नायरा है जो हर दम अपने पति को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है। लाख बार समझाया उसे लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है। आज पैरों में बिठा दिया, कल को रास्ते पे लिटा देगी। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। और अपने लड़ने के बारे में क्या ख्याल है, जिसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं। इतने बड़े क्लाइंट के सामने ऐसी बेवकूफ। प्रेजेंटेशन तो जैसे तैसे शुभम ने संभाल लिया लेकिन अब डील कौन हैंडल करेगा? पहले दिन से तय था कि ये अकाउंट कार्तिक हैंडल करेगा। हाँ, लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि उसका फोकस इतना खराब है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहीं फायदे की जगह नुकसान ही ना हो जाए। तो फिर और कौन? पता नहीं लेकिन कार्तिक तो डेफिनेटली नहीं। क्यों नहीं दे सकते? एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम उसकी मेहनत और काबिलियत पे तो शक नहीं कर सकते ना। उसकी काबिलियत के बारे में बताने की जरूरत तुम्हें एक बाप को नहीं है। अगर वो काबिल नहीं होता शायद इतनी तकलीफ ही नहीं होती, मैं तसल्ली कर लेता। तकलीफ इस बात की है कि वो काबिल है और काबिल होने के बावजूद वो सब नहीं कर पा रहा है जो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस काम पर नहीं, तुम्हारे डांस एकेडमी पर है और इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है?